नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ होशियार सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज धनतेरस का दिन है और यह दिन बहुत ही अहम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन धन कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मेरठ सराफा यानी कि मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शहर बाजार जो है पूरी तरीके से चकाचौंध है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं इस एसोसिएशन के साइंटिस्ट राजीव अग्रवाल जी, जो सराफा व्यवसायी भी माने जाते हैं, और इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या तैयारियां हैं बाजार की और क्या कुछ नया होने वाला है इस बार। जी राजीव जी, ये सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां मेरठ बुलियन की तरफ से की गई हैं मेरठ बाजार को चकाचौंध करने के लिए, और किस तरीके के ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा मेरठ बुलियन ट्रेडर्स जो है पूरे भारत के साथ साथ विश्व में नामी गिरामी है, और ऐसी अवस्था में हमारे जो टीम है, पूरे बाजार की एसोसिएशन की जो टीम है, बहुत तेज़ी से इसमें लगी हुई है और इसकी तैयारियां हमारे यहाँ जो हो जाती है वो चतुर्मास से पहले ही हो जाती है। चतुर्मास में, क्योंकि बाहर हमारे सबसे पहले जो एग्जीबिशन हुई थी मेरठ में बिग बैट में, आपने देखा होगा, उसके बाद दिल्ली में भी एग्जीबिशन हुई थी प्रगति मैदान के अंदर, तो उसमें शुरू से ही 4 महीने हम सब लोग तैयारी में लग जाते हैं और कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए, सुंदर सुंदर आभूषण देने के लिए, चांदी और सोने के जितने भी हैं हम देने का प्रयास करते हैं। इसमें इस बार हमने जो है बहुत तेज़ी से तरक्की पाई है। हमारे मेरठ बिजनेस के सभी मेंबर्स जो हैं इसमें बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष करा है इस बार, और पहले से ज़्यादा इसमें 4-5 गुना जो है तरक्की इसमें पाई है, क्योंकि इसमें हमने ग्राहक के मनोबल को समझा है, उसके मेंटेलिटी को समझा है कि आखिर ग्राहक की डिमांड क्या है। तो ऐसी अवस्था में हमारे ज्वेलर्स ने सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ लाइट वेट में भी, हीरे में भी, डायमंड में भी और चांदी में भी जो गुणवत्ता पैदा करी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मेरठ से खड़ा है, और पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं और उनके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बीच बीच में हमारे कप्तान साहब भी मीटिंग होती है, हमारे सांसद भी हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे MLA वगैरह सब, हम हर महीने में अपनी मीटिंग करके इसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हमारे मेरठ पूरे भारत में गोल्ड सिटी का जो नाम है उसको बराबर मिला रहे। जी, जैसा आज जैसे धनतेरस है, धनतेरस के दिन जो लोग बाग हैं सोना चांदी बहुत खरीदना पसंद करते हैं, ये ऐसा क्यों है, इससे क्या लाभ इसको मिलता है? देखिए, ये धनलक्ष्मी है और धनलक्ष्मी जो है हमेशा एक परंपरागत तरीके से काम आती है। आपने देखा होगा सोने के जो आभूषण है शादी विवाह में जो दिए जाते हैं, लगन की तैयारी होती है, ये परंपरागत एक हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है कि सोना चांदी जो है परंपरागत एक दूसरे को, बेटे को, बहू को या परिवार के किसी भी सदस्य को एक गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, और वो उसको जो सुरक्षा प्रदान करती है आगामी जीवन में, उसकी परंपरा करती है, सास का जीवन बहू को, बहू का जीवन पुत्र वधू को दिया जाता है। तो ये हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा। तो इसमें गुणवत्ता अगर अच्छी हो तो उसमें दुकानदार का नाम बहुत फेमस होता है कि हमारा जेवर जो है पुराने ज्वेलर्स के बंदा चला रहा है और हम वहीं से खरीदते हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत अच्छी तैयारी करी है हमारे ज्वेलर्स ने, और मैं तो दिवाली पर सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप सोने चांदी से मत घबराइए, बल्कि खूब खरीदिए, दिल लगा खरीदिए, जितना भी आप खरीद सकते हैं उतना खरीदिए। राजीव जी, एक बात और, क्या मेरठ से जो कस्टमर है वो आ रहे हैं खरीदने या कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, हमारा भारत तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, हमारा सराफा बाज़ार जो है बहुत काफ़ी कारीगर से यहाँ पे है। गोल्ड सिटी हमारा नाम ऐसे नहीं है, इसमें लाखों कारीगर से बनाने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, व्यापारी भी हैं, दूर दूर से आने वाले पूरे देश के लोग भी हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे वो ईस्ट के हों, चाहे वो नॉर्थ के हों, चाहे वो साउथ के हों, सभी लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि मंडी है। इसी वजह से हमारी जो है हमारे कप्तान साहब ने भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था दी है, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा हो या कोई भी हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, होटल है या ठहरने की व्यवस्था, सब हमारे मेरठ बुलियन एसोसिएशन के माध्यम से की जाती है। तो इसलिए दूर के व्यापारी यहाँ आते हैं और वो आना जाना उनका लगा रहता है। अभी एक चीज़ और, अभी जैसे पढ़ने में आया कि अभी के साथ 10 लाख की ठगी कर ली गई एक सराफा व्यवसायी के साथ, ये ऐसे कैसे हो जाता है, क्यों जागरूक नहीं है व्यापारी? देखिए, ऐसा होता है, ये तो आमतौर पर चलता रहता है। इसमें क्या है कि जितने भी ज्वेलर्स हैं, जो समझदार हैं, वो अपनी सीक्रेसी स्वयं रखते हैं, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं अपने रखते हैं, कुछ लापरवाह किस्म के लोग हैं जो उसमें अपना ध्यान नहीं रखते और वो जो है अपनी सीक्रेसी को जग जाहिर कर देते हैं, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर ज्वेलर्स हैं, सोना चांदी बहुत कीमती धातु है, जान का भी खतरा रहता है, तो सीक्रेसी जाहिर नहीं करनी चाहिए, अपने स्टाफ से भी बचाना चाहिए, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बचाना चाहिए,
और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सावधानी जितनी ज्यादा सावधानी होगी। कप्तान साहब ने बताया था कि आप लोग जो है हम लोग आपको कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सहयोग हमें मिलना चाहिए। अब हम कातर चौकीदारी करेंगे अपनी। ये अभी तक सवाल था कि व्यापारी की सुरक्षा की, अगर बात करें कि ग्राहक भी आता है, काफ़ी सामान खरीद कर यहाँ से जाता है कीमतें, तो ग्राहक की सुरक्षा के लिए ने मार्केट में क्या इंतजाम किए? देखो, ग्राहक की सुरक्षा के लिए तो ग्राहक खुद ही सुरक्षित है, ऐसे आदमी से पता रहता है कि हम कहाँ तक इसमें सुरक्षा कर सकते हैं अपने। तो उसमें लगन के टाइम में बहुत सुरक्षा रहती है, हमारी पुलिस की टीम जो है चारों तरफ नज़र गड़ाए रहती है, कस्टमर को सुरक्षा देती है, ग्रीन कार्ड भी देती है ज्वेलर्स की, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो चेकिंग के दौरान भी, तो ये समझता है। और इसमें अब के तो हमारा जो गोल्ड टेस्टिंग मशीन का जो काम है, इसने 4 गुनी तक की करी है, काफ़ी दूर के लोग हर चाहता है कि व्यापार के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, और ट्रांसपेरेंसी जब हो सकती है क्योंकि जब उसकी गुणवत्ता पूरी हो, तो गुणवत्ता टेस्ट करने के लिए हर ज्वेलर्स अपनी दुकान पर ही हमारी मशीन लगाना चाहता है, और मशीन लगाने के बाद टेस्ट करने के बाद भी चाहे वो कारीगर से टेस्ट करना हो, चाहे वो कस्टमर का टेस्ट करना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, कम मार्जिन, ज़्यादा टर्नओवर, ये लक्ष्य इसका रहा है। देखिए यदि राजीव जी मैं बात करूँ, अभी ये जो सीजन है धनतेरस है, फिर उसके बाद छोटी दीपावली है, या उसके बाद बड़ी दीपावली है, फिर गोवर्धन भी है, तो कहने का मतलब ये जो पूरा सप्ताह है ये फेस्टिव सीजन है, ऐसे में आप लोगों की व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं परिवार को भी और अपने आप को? देखिए इसमें ना हम लोग सारे परिवार से मिलकर एकजुट है, हमारा सराफा बाजार हो या हमारा घरेलू परिवार हो, सब इसमें एकजुट होते हैं। इसमें हमें बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है, कभी कभी तो नींद भी नहीं मिलती है हमें, 4-5 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए भी, लेकिन सक्रिय रहते हैं अपने काम के लिए। तो हमारी टीम जो है व्यापार करने वाली टीम है, सहयोगी हैं, वो सब एकजुट रहते हैं, तभी हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, इस साल सैलरी भी बढ़ती है, तो हमारे स्टाफ की भी सैलरी बढ़ती है, बोनस भी मिलता है उन्हें, तो जब तक मिलजुल के काम करेंगे उनका बोनस कैसे मिलेगा। ये थे हमारे साथ राजीव जी, जिनका कहना है कि इनके मिलेट बुलियंस एसोसिएशन ने काफ़ी खूब तरक्की की है पहले से ज़्यादा, और अब काफ़ी लोगों की भीड़ जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं ख़रीदारी करने, और साथ ही ये ग्राहकों को पूर्ण सुरक्षा देने का भी वादा कर रहे हैं ताकि जान माल भी सुरक्षित बनी रहे।